एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपाकर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? 8 गोलियों के निशान। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ। पुष्पा जिंदा है नाना। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। रोल पुष्पा का। आइकॉनिक स्टार अर्जुन को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है, जहां कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में होने वाला है। लेकिन फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 को लेकर। लोगों में एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मूवी का जहां पार्ट 1 एंड हुआ था और उसके आगे की स्टोरी क्या होगी और पार्ट 2 की स्टोरी क्या होने वाली है, इसको लेकर एक सवाल बना हुआ है। तो वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने अपनी अगली फिल्म का डायलॉग रिवील कर दिया है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के अंदाज में कहा, यहाँ पर सब कुछ एक ही रूल पर चलता है, पुष्पा की रूल पर। इसको सुनने के बाद कहा जा रहा है कि ये डायलॉग पुष्पा 2 फिल्म में एक अहम डायलॉग होने वाला है। साथ ही साथ पुष्पा 2 की स्क्रिप्ट को दोबारा से लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स ने पहले इस मूवी के 2 पार्ट बनाने का प्लान किया था, लेकिन जब पार्ट 1 इतनी बड़ी सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है, उसके बाद मेकर्स इस मूवी के 2 पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट में बनाना चाहते हैं, और इस वजह से फिल्म में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इस फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग का शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसे जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड